चलिए खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां पर पावा गांव के कुएं में लाश मिलने के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर को बसंत जाने वाले मार्ग पर स्थित कुएं में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। शिनाख्ती के बाद पता चला कि मृतक दिनेश सिरवी है, जो मुंबई में ज्वेलरी का काम करता था। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए दंपति से पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या करने की बात कबूली। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी सुरेश सिरवी और उसकी पत्नी दाखू देवी ने दिनेश सिरवी को फोन पर बुलाया था, क्योंकि सुरेश को उसकी पत्नी और मृतक के बीच संबंध होने का शक था। रंजिश के चलते उसने पत्नी दाखू के माध्यम से मृतक को बुलाकर 18 नवंबर को उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस अब आरोपियों से लूट के पैसे और अन्य सामग्री बरामद करने का प्रयास भी कर रही है। गौरतलब है कि आरोपी सुरेश ने भी दाखू से प्रेम विवाह किया था। दिनेश की जो बैक हिस्ट्री है उसमें हमने सारा पता किया, तो दाखू देवी जो सुरेश चौधरी की औरत है उससे इसके पूर्व में संबंध थे, और अब ये इसकी शादी यहाँ पावा होर की है। उसके बावजूद भी इन दोनों के आपस में कभी कभार फोन से बात होती थी, और इसी में षड्यंत्र पूर्वक सुरेश और दाखू देवी दोनों ने मिलकर इसको पावा बुलाया, और पावा में एक सुना कुआ है जिस पर फोन से इसको बुलाकर 18 नवंबर की सुबह 9:30 बजे करीब ये बॉम्बे से आया, और पूर्व से योजना अनुसार ये दोनों पति पत्नी वहाँ तैयार थे, और खेत में रस्सी से गला घोंटकर इसकी हत्या की, और सबूत मिटाने के लिए सबको